नमस्कार दोस्तों, मैं और ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रीमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, उसके बारे में कि जो यूजीसी ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब है वो दाखिल कर दिया है। उन्होंने परीक्षाओं को लेकर के क्या कहा है और दोस्तों उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों विद्यार्थियों के परीक्षाओं को लेकर के। पूरी न्यूज में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अलग आलोक श्रीवास्तव जी ने ट्वीट किया, पहले ये आपको बता दूं फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों यूजीसी की ओर से एक काउंटर एफिडेविट भी है वो फाइल कर दिया गया है, उसमें क्या कहा गया है वो भी मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों उन्होंने कहा अपडेट, यूजीसी हैज जस्ट नाउ फाइल्ड इट्स रिप्लाई, यानी कि यूजीसी ने अभी अभी है वो रिप्लाई फाइल्ड किया, यानी अपना रिप्लाई दिया है जो हमने कहा था उसको लेकर के। यूजीसी हैज रिफ्यूज्ड टू कैंसिल फाइनल ईयर एग्जाम्स, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं यूजीसी ने है वो फाइनल ईयर के एग्जाम को रद्द करने को लेकर के मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो रद्द नहीं करेंगे, बट यूजीसी हैज फेस्ड टू रिस्पॉन्ड टू मेनी लीगल इश्यूज रेज्ड बाय अस। दोस्तों आगे जो विकिल साहब है उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द करने को लेकर के तो मना कर दिया है, जो हमें पहले से ही पता था कि यूजीसी मना ही करने वाली है, लेकिन वो कई पॉइंट्स में फेल रही है। जो हमने कल जो लीगल पॉइंट हमने कानूनी मुद्दे उठाए थे उनके सामने, उनको है वो जवाब देने में पूरी तरीके से है वो असमर्थ रही है, वो जवाब नहीं दे पाई है। आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट विल रिजेक्ट यूजीसी रिप्लाई टुमारो एंड ग्रेंट रिलीफ टू स्टूडेंट्स, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अलक आलोक श्रीवास्तव जी है उनकी यदि हम बात माने, उनका कॉन्फिडेंस देखे तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरीके से विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कल यूजीसी द्वारा जो उनका रिप्लाई दिया गया है उसको खारिज करेगी और बहुत बड़ी राहत है वो विद्यार्थियों के लिए कल सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आएगी। वी आर मेंटिक्यूलियसली प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो हियरिंग, यानी उन्होंने कहा है मैं पूरी बारीकी के साथ में है जो कल सुनवाई होने वाली है उसको लेकर के है तैयारी कर रहा हूं, कल की सुनवाई की मैं तैयारी कर रहा हूं। तो दोस्तों यह बात हो गई जो अलक आलोक श्रीवास्तव जी जो हमारे विद्यार्थियों की ओर से है केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यूजीसी ने फाइनल ईयर के एग्जाम है रद्द करने को लेकर के मना कर दिया है, लेकिन कई पॉइंट पर जो हमने उठाए थे विद्यार्थियों की स्वास्थ्य को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, कानूनी मुद्दे आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 21 हो, उनको लेकर के, एकेडमिक ईयर का लॉस को लेकर हो, जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, नेक्स्ट हायर क्लासेज को लेकर के हो, उनका जवाब देने में यूजीसी है वो पूरी तरीके से असमर्थ रही है और उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट जरूर राह देगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो यूजीसी ने काउंटर एफिडेविट फाइल की है उसके बारे में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूजीसी ने है वो काउंटर एफिडेविट फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि जितनी भी याचिकाएं इसको लेकर के लगाई गई है उसको रद्द कर दिया जाए। यानी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यूजीसी ने तो ये बात कह दी है कि जो 6 पिटीशनें लगाई गई है विद्यार्थियों की ओर से, प्रोफेसर की ओर से, उनको खारिज कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह बात भी कही है कि आपको इसमें इंटरवेट करने का कोई अधिकार नहीं है, आप जो यूजीसी द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई है उसमें हस्तक्षेप ना करें, ये आपके मामले से बाहर है। ये बात दोस्तों यूजीसी के द्वारा कही गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो मुंबई और दिल्ली गवर्नमेंट ने टर्मिनल ईयर के एग्जाम को कैंसिल किया है वो यूजीसी की गाइडलाइंस को वो वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, उसको भी खारिज किया जाए। और कहा है कि यदि कोई विद्यार्थी सितंबर तक एग्जाम देने में पॉसिबल नहीं हो पाता है, यदि वो ऐसे एरिया में बिलोंग करता है जहाँ पर कोरोना के केसेज बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम एक स्पेशल चांसेस देंगे एग्जाम को लेकर के। ये बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यूजीसी ने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें कहा गया है, ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी है यूजीसी के एफिडेविट को लेकर के। और साथ ही साथ में दोस्तों हमारे जो वकील साहब हैं उनकी ओर से जो बात कही गई है उसको लेकर के, अब कल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत ज्यादा दोस्तों मायने रखने वाला होता है सभी विद्यार्थियों के लिए। हम यही उम्मीद और पूरी आशा विश्वास के साथ यही रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों के हितों में ही निर्णय लेगा। एक दोस्तों जो अभी आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं वो आज की तस्वीर है, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी KSET का दोस्तों आज जो टेस्ट है उसकी तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी अच्छी तरीके से दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, कितनी अच्छी तरीके से दोस्तों अधिकारियों द्वारा है वो विद्यार्थियों की मदद की जा रही है, उनके लाने में ले जाने में उनके स्वास्थ्य की कितनी चिंता है दोस्तों आप देख ही सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये फोटोज भी है वो सुप्रीम कोर्ट में अवश्य है वो वकीलों द्वारा दिखाई जानी चाहिए और कहा जाना चाहिए कि किस प्रकार
से केरल में है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, जो खुद आपके द्वारा बनाई गई है, खुद केंद्र सरकार ने बनाई है, खुद राज्य सरकार ने एसओपी तैयार की है, उसका आप खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं और परीक्षाएं लेने की बात कर रहे हैं। आपके लिए क्या कोई विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा मायने नहीं रखता? किस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं सैकड़ों विद्यार्थी यहां पर, जो कहा जा रहा है 6 मीटर की दूरी, मुझे 6 फीट की दूरी, दोस्तों मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहां 6 फीट की दूरी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, और आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से वो कल क्या डिसीजन आना चाहिए, आपकी क्या राय है। धन्यवाद। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल ग्रिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।